नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। झारखंड में 18 प्लस के सभी राज्यवासियों को कोरोना टीका लगाने की शुरुआत हो चुकी है। वहीं दुमका के जरमुंडी ब्लॉक में भी 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का टीका दिया जा रहा है। वहीं लोगों के बीच टीकाकरण को लेकर मिला जुला असर देखा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का सही तरीके से पालन नहीं कराया जा रहा है। मेरे साथ ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने अपनी माँ को खोया, लेकिन आज मैं 2 बजे रात भी आता हूँ तो वो खड़े मिलते हैं, 2 बजे दिन में भी आता हूँ तो खड़े मिलते हैं। ये देश सेवा है और लोगों की पहचान, व्यक्तित्व की पहचान, नेतृत्व की पहचान विपत्ति के समय ही होता है। अभी पुलिस प्रशासन हो, हमारी सैया दीदी हों, आंगनबाड़ी के लोग हों, जिम्मेदार समाज सेवी हों, डॉक्टर्स हों और सभी पैरामेडिकल स्टाफ्स हों, सब लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। मीडिया के लोग आप देखते हैं, कवरेज करते करते दर्जनों लोग आहत हो गए। संवेदना सबके प्रति है, लेकिन भागा भी नहीं जा सकता है। उनके भाई बंधु आज भी इस जंग में हमारा साथ दे रहे हैं जो वहीं भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा की ओर से कोविड अस्पताल बदडीहा में भर्ती मरीजों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोविड अस्पताल में मरीजों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है। वहां भोजन की कमी को देखते हुए आज भाकपा माले की ओर से सभी मरीजों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई। कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू की पहल पर इन कार्यालय को सैनिटाइज किया गया है। गिरिडीह में बढ़ते हुए कोरोना संकट को देखते हुए विधायक ने ये पहल शुरू की है, जिससे आम लोगों को इस महामारी से बचाया जा सकता है। तो गिरिडीह की तस्वीरें हैं जहां सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, जिससे कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। और ये एक अनोखी पहल, एक अच्छी पहल की गई है। पूरे तरीके से झारखंड में जिस तरीके से कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं, ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइजेशन की ज़रूरत है। और इसी कड़ी में गिरिडीह में भी जो तमाम कार्यालय हैं, बैंक ऑफ इंडिया या जो तमाम अन्य कार्यालय हैं, जैसे हाई स्कूल बनियाडीह और जो बाज़ार है जहाँ पर व्यस्ततम माहौल रहता है, लोग अधिक संख्या में इकट्ठे होते हैं, ऐसी जगहों पर सैनिटाइजेशन का काम किया गया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुन्ना प्रसाद फोन लाइन पर मौजूद हैं। मुन्ना, लगातार जिस तरीके से कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं, हालांकि जो लॉकडाउन का फैसला लिया गया उससे कहीं ना कहीं असर अच्छा देखने को मिला, कोरोना पर काबू पाया गया है, लेकिन इसी के साथ जिस तरीके से अच्छी पहल की गई है, सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है। मुन्ना जी, जी दरअसल गिरिडीह में आज के समय में जितना भी कोरोना का स्थिति जो देखा जा रहा है, ज्यादातर ग्रामीण इलाके में ज्यादा है, शहरी क्षेत्र में अभी कम है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जांच नहीं कराते हैं, जिस कारण उसको पता नहीं चल पाता है कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। लेकिन बुखार और अन्य जो सिम्टम है वो सब कोरोना से रिलेटेड रहता है उसी तरह का। अभी खास करके बनियाडीह इलाके में वहाँ पे पॉजिटिव लोगों की संख्या ज्यादा है, और वहाँ CCL है, स्कूल है और भी जो भी कार्यालय वगैरह है, वो सब में लोग आते जाते बड़ी संख्या में कोलेरी में काम करते हैं, वो सब लेकर के चूंकि ये मामला विधायक के पास पहुंचा, विधायक सुदीप कुमार सोनू ने पहल शुरू किया और आज उस इलाके का सैनिटाइज किया गया। चूंकि वहाँ CCL कार्यालय है, GM का कार्यालय, हॉस्पिटल भी है CCL का,
है उस मोहल्ले में पूरे इलाके को आज सैनिटाइज किया गया। विधायक ने एक बेहतर पहल शुरू की है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति आज बन रही है उसके लिए यह आवश्यक था। जी बिल्कुल मुन्ना, लगातार विपक्ष के द्वारा भी यही कहा जा रहा है कि जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें जागरूकता की कमी है, इसके साथ ही वहां पर कोई जांच अधिकारी नहीं पहुंच रहा है जांच के लिए, जिसके चलते ग्रामीण इलाकों से जो कोरोना के केसेस हैं वो ज्यादा सामने आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर गाँव में कोरोना ने एक बार अपने पैर पसार लिए तो इसको कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। विधायक के द्वारा एक अच्छी पहल है हालांकि कि सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया गया है, लेकिन अब जरूरत है कि जो अन्य जो गाँव के इलाके हैं वहां पर भी सैनिटाइजेशन का काम जल्द से जल्द शुरू कराया जा सके। जी जी, दरअसल यह बहुत जरूरी है, अत्यावश्यक है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता की कमी है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हमको कैसे सावधानी बरतना है, हमको कैसे लोगों के साथ दूरी बनाना है, और हम जब घर से निकलते हैं तो फिर हमको क्या करना चाहिए, और यदि बुखार आता है शरीर में तो कहाँ जांच कराना चाहिए। यह सब बहुत सारी जागरूकता भी की कमी भी है, और कुछ लोगों के अंदर में ये भावना एक अलग तरह का बना हुआ है कि कोरोना यदि हमारे यहाँ हल्ला होता है या लोग जानते हैं कि उनके यहाँ कोरोना की बीमारी है तो लोग हमसे दूर भागेंगे या समाज में हमारा सर नीचा हो जाएगा, यह भी एक भावना लोगों के अंदर में है। इस कारण लोग जांच कराने से परहेज करते हैं, जांच नहीं कराते हैं, और यह बीमारी एक दूसरे से तीसरे में बढ़ते जा रहा है, और इस तरह करके ग्रामीण इलाके में ज्यादा फैल रहा है। जी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। वहीं रांची में आदिवासी छात्र संघ ने हेमंत सोरेन का पुतला फूंका है और अपना विरोध जताया है। आपको बता दें कि रांची के हरमू चौक पर आदिवासी छात्र संघ और बिरसा सेना के तत्वाधान में हेमंत सोरेन का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने साहेबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की सीबीआई जांच करने की मांग की है, और इसी के साथ आपको बता दें कि बीते दिन महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की का शव फंदे से लटका हुआ मिला था। परिजनों का आरोप है कि हत्या कर इसे आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है, जिसे लेकर लोगों का गुस्सा फूटा और यहां पूरे मामले की जांच के लिए सीबीआई से जांच कराने की बात कही गई है। तस्वीरें आपके सामने जहां हेमंत सोरेन का पुतला फूंका गया, और इसी के साथ जो तमाम छात्र हैं उन्होंने मांग की कि जो पूरा प्रकरण है उसकी जांच सीबीआई के हाथों सौंप दी जाए। इसके साथ ही उनका कहना था अब इस पूरे मामले को आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। आपको बता दें कि रूपा तिर्की के मामले में कहा जा रहा था कि जो दो अन्य महिला पुलिसकर्मी हैं उन्होंने रूपा तिर्की को टॉर्चर किया, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया और उनके घर में सरकारी आवास में उनका शव पंखे से लटका हुआ मिला था, जिसके बाद जो तमाम तरीके के पहलू सामने आ रहे थे जांच के दौरान, कुछ पहलुओं के अनुसार उन्होंने आत्महत्या की थी, तो वहीं जिस तरीके से उनके शरीर पर चोट के निशान पाए गए थे, कहा यह जा रहा है कि उनके साथ मारपीट की गई और उसके बाद उन हत्या कर उनके शव को पंखे से लटका दिया गया। हालांकि पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है और लगातार हेमंत सरकार से यही दरख्वास्त लगा रहे हैं तमाम विपक्षी दल, राजनीतिक दल, के इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की जानी चाहिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार फोनलाइन पर मौजूद हैं। शुभम, रूपा तिर्की की हत्या का या आत्महत्या का ये जो ये मामला है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, और फिलहाल पुलिस इस गुत्थी को अब तक सुलझा नहीं पाई है। लोगों में रोष है क्योंकि उन्होंने अपनी एक होनहार बेटी खो दी है।
देखिए बिल्कुल राखी, जब से रूपा तिर्की की हत्या हुई है, चाहे वो आत्महत्या की बात कर ले, हालांकि पुलिस ने इसमें एक दोषी व्यक्ति को करार करके जेल भेज दिया है और खुद एक एसआई को जेल भेजा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और झारखंड के तमाम संगठन लगातार कह सकते हैं गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और सीबीआई जांच की अब मांग हो रही है। इसी वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहीं ना कहीं आज राजधानी रांची में हरमो चौक के पास उनका पुतला फूंका गया है, तो कहीं ना कहीं ये लगातार संदेश दिया जा रहा है कि जिस तरीका से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है उसके बाद भी कहीं ना कहीं न्याय मांगने के लिए सीबीआई जांच की जब मांग उठ रही है, तो आप समझ सकते होंगे आखिर की ऐसी क्या वजह है कि राज्य की जनता और चाहे वो विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी वो क्यों मानने को तैयार नहीं है कि आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है उसकी सटीक जानकारी अभी तक किसी को नहीं मिल पाई। और सबसे बड़ी बात है जो सीबीआई जांच के बार बार सवाल उठ रही है, खुद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने साफ तौर पर मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार आखिर क्यों सीबीआई जांच करवाना नहीं चाहती है, और अगर रूपा तिर्कू को इंसाफ दिलाना है तो सीबीआई जांच होना अनिवार्य है। जी शुभम, इस बीच ये भी सामने आया था कि जो दो अन्य पुलिसकर्मी महिला पुलिसकर्मी हैं उन्होंने रूपा तिर्की को टॉर्चर किया जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया, फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? पूरा मामला था कह सकते हैं ये 3 मई की शुरुआत हुआ इस मामले का, और इसमें कई लोगों पर शक के निगाहों पर कह सकते हैं पुलिस ने अपनी टीम गठित की, उसके बाद जांच प्रक्रिया बैठी। दो महिला पुलिसकर्मियों पर शक था पुलिस को, हालांकि उन्हें क्लीन चिट दे दिया गया है, और एक कह सकते हैं पॉलिटिकल बहुत सारे चीजों का कह सकते हैं लोगों ने आकलन लगाया कि ये हो सकता था, लेकिन मौजूदा तस्वीर सामने देखने को मिली, एक आरोपी गिरफ्तार किया गया पुलिस के द्वारा, खुद साहिबगंज के एसपी के द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी भी दी गई कि ये सही आरोपी को गिरफ्तार कर दिया गया, प्रेम प्रसंग का ये मामला था, और जिसमें जिस तरीका से आरोपी जो मृतक है रूपा तिर्की उन्हें धमका रहा था, उन्हें पैसों की मांग कर रहा था, इन तमाम ऐसे सबूत सामने आ रहे थे। लेकिन उसके बाद भी कह सकते हैं सीबीआई जांच की जो मांग कर रहे हैं विपक्ष में बैठे भारतीय जनता पार्टी, तो अब यह देखना होगा कि हेमंत सरकार इसको किस तरीके से टैकल करती है, तो कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं पुलिस प्रशासन पे भी सवाल उठने लाजमी हो रहे हैं। जी छात्र जो आदिवासी छात्र है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, इस खबर पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए शुभम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोरोना महामारी को लेकर तमाम जो लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं, कई सामाजिक संगठन ऐसे हैं जो लोगों तक खाना मुहैया करवा रहे हैं, और इसी कड़ी में मारवाड़ी युवा मंच लगातार कदम बढ़ा रहा है। वहीं मंच की ओर से कोविड मरीजों के लिए खाना और दवा किट की व्यवस्था की जा रही है, इसके साथ ही साथ मंच की ओर से शमशान घाट में निःशुल्क लकड़ी का भी प्रबंध किया जा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए मंच की ओर से पत्रकारों को सुरक्षा किट उपलब्ध कराया गया है। इस मौके पर मंच के कार्यकर्ता नीलकमल भरतिया, राकेश मोदी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वैश्विक महामारी कोरोना के इस मुश्किल वक्त में तमाम जो सामाजिक संगठन हैं या ये कहें जो लोग हैं वो सामने आ रहे हैं मदद के लिए, और लोगों को सुरक्षा किट बांटी जा रही है, दवाइयां दी जा रही है, इसके साथ ही जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है उनको खाना भी उपलब्ध कराया जा रहा है। तो वहीं गिरिडीह में 3 दिवसीय टीकाकरण कैंप लगाया गया है जहां लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, और आपको बता दें कि रोटरी नेत्र चिकित्सालय में आज से 3 दिवसीय कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल ने किया। टीकाकरण के पहले दिन 100 लोगों को टीका लेने पहुंचे, और वहीं मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल ने सेंटर का भी निरीक्षण किया। मेरे साथ ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने अपनी माँ को खोया, लेकिन आज
करने को 200 कर देंगे 10 मिनट में। तीन दिवसीय कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल ने किया। टीकाकरण के पहले दिन करीब 100 से ज्यादा लोग यहां टीका लेने के लिए पहुंचे हैं। वहीं मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल ने सेंटर का निरीक्षण भी किया है। देश भर में लगातार कोरोना का कहर जारी है और झारखंड के रांची में भी इसका विकराल रूप देखा जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार कोरोना का कहर बढ़ रहा है, बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री इस पर लगातार मंथन करते नजर आ रहे हैं। कोरोना के मामले में झारखंड के शहरों में काफी स्थिति भयावह हो चुकी है। वहीं अब कोरोना धीरे धीरे अपने पांव ग्रामीण क्षेत्रों में पसार रहा है। राजधानी रांची से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले दिनों की तुलना में अचानक से कोरोना महामारी की चपेट में आने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और गांव में बढ़ते संक्रमण के बाद सरकार की भी नींद उड़ गई है। क्योंकि विगत दिनों हम लोगों ने देखा कि किस तरह से राज्य के अंदर शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के चलते लोगों की मृत्यु हुई और लोग बाग भटकते रहे, तो ग्रामीण क्षेत्र और सुदूर क्षेत्र जो है वहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हालत है। तो ऐसी स्थिति में अगर संक्रमण ने अपना पैर पसार लिया गांव में, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति हो जाएगी। लेकिन इस सरकार के रहते ऐसा लगता है कि संक्रमण रोकना इनके बूते की बात नहीं है, क्योंकि जो पैंडेमिक को लेकर इन लोगों ने नियम बनाए वो पूरे राज्य में एक समान रूप से लागू नहीं हो रहा है। वहीं रांची के राजन कुमार सिंह ने झारखंड हाईकोर्ट में ई पास की खामियों को लेकर एक जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई के लिए भी अदालत से विशेष आग्रह किया गया है। वकील अनूप अग्रवाल ने कहा कि जनहित याचिका के जरिए गुजारिश की गई है कि हाईकोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करे और लोकल मूवमेंट के लिए ई पास को लेकर लोकल बाध्यता को खत्म करने का निर्देश जारी करे। झारखंड सरकार ने कोविड को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत 16 तारीख से अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी आवश्यक कार्य के लिए अगर घर से बाहर निकलता है तो, और अगर वो वाहन से बाहर निकलता है तो उसके लिए उसे सरकार के द्वारा जारी की गई वेबसाइट से ई पास बनवाने की ज़रूरत पड़ेगी। वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें सरकार के द्वारा ऑलरेडी सारे अनावश्यक कार्य को बंद किया गया है और लोग केवल आवश्यक कार्य के लिए ही घर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर सरकार के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि लोगों को अपने आवश्यक कार्य के लिए अगर बाहर जाते हैं तो ई पास बनाना पड़ेगा, तो ये अपने आप में बहुत ही आर्बिट्ररी है। वहीं झारखंड में कोरोना महामारी का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में से कोरोना संक्रमण से 76 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही झारखंड में 3,776 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। बात राजधानी रांची की करें तो बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 28 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 494 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। फिलहाल राज्य में कुल एक्टिव संख्या 45,056 है और इसी के साथ 602 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं वैश्विक महामारी के चलते ऑक्सीजन की काफी किल्लत देखी जा रही है और इसी किल्लत को दूर करने के लिए स्पोक्सी गैस प्रोडक्ट कंपनी के मजदूर लगातार 24 घंटे ऑक्सीजन बनाने में लगे हुए हैं। इस जिले में पूरे कोल्हान में ऑक्सीजन के सिलेंडर की आपूर्ति की जा रही है, जिससे रोगियों में एक दृढ़ता देखी जा रही है। यहां तक कि ट्रांसपोर्ट करने वाले चालकों ने भी अपना कर्तव्य निभाते हुए बताया कि वे लगातार 24 घंटे गाड़ियों से आपूर्ति कराने में पूरे तरीके से सजग हैं।
वहीं बोकारो सेक्टर 5 के पुस्तकालय मैदान में 100 बेड का अस्थायी अस्पताल का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। ये अस्पताल आधुनिक संसाधनों से लैस है। आपको बता दें कि यह अस्पताल जिला प्रशासन के सहयोग से वेदांता इलेक्ट्रोसिटल द्वारा किया जा रहा है। इस अस्पताल में केवल COVID-19 के ही मरीज भर्ती किए जाएंगे। अस्पताल के बन जाने से कोविड मरीजों को काफी सहूलियत होगी। सब्जी का बाजार रह गया था, वो लोग आके हम लोग से बात किए, वो बहुत अच्छे से स्वीकार किए। उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन SDO साहब और DSP साहब ने विजिट किया, उन लोग से वार्ता करके उन लोग को एक जगह दिया गया यहीं पर सर्कस मैदान के पास। स्वेच्छा से वो लोग चले गए, हम लोग सबका ख्याल रखें, चूँकि कोविड अस्पताल है, भीड़ लगाने से और वो लोग को दिक्कत होती, तो जिस काम को हम लोग करने जा रहे हैं वहाँ और हम लोग को दिक्कत होती। एकदम सहयोग दिया उन्होंने, आके कल हमसे बात किया, बोला कि सर हम लोग को जगह दिया। मैंने SDO साहब को फ़ोन किया, उन्होंने जगह प्रबंधन किया, दोनों विजिट हुआ और जाओ। ये वेदांता इलेक्ट्रोसील का हम लोग का पहल है, सामाजिक दायित्व की तरह कर रहे हैं और जगह भी हम लोग कर रहे हैं। वहीं झुंड से बिछड़ा हाथी दुमका शहर में आ गया। वहीं हाथी ने शहर में जमकर उत्पात मचाया। इसी के चलते रसिकपुर मोहल्ले का रहने वाला विशाल सिंह हाथी की चपेट में आ गया और बुरे तरीके से घायल हो गया, जिसे फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए बाहर रेफर कर दिया गया। वहीं झुंड से बिछड़े हाथी से लोगों को बचाने के लिए वन विभाग के साथ स्थानीय पुलिस प्रशासन भी SDPO विजय कुमार के नेतृत्व में सड़क पर उतरी और लोगों को हाथी के उत्पात से बचाने की कोशिश की। वहीं पोडेया हाट के तालाब में मछलियों के मरने का सिलसिला लगातार देर रात से जारी है। मछलियों के सड़ने के दुर्गंध से ग्रामीण खासा परेशान है। मछलियां लगातार मर मर कर ऊपर तैर रही हैं, जिससे दुर्गंध थमने का नाम नहीं ले रही। स्थानीय ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द मछली और तालाब के पानी को साफ कराए। वहीं अंचल अधिकारी से इस संबंध में बातचीत कर